हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में मैंने कंप्यूटर के 100 बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को शामिल किया है। तो अगर आप CCC या कोई और एग्जाम देने जा रहे हैं जिसमें कि कंप्यूटर पूछा जाता है, तो आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए, क्योंकि आपको इसमें से क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है CPU के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं, तो प्रोसेस्ड डाटा को कहते हैं आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक छोटे सिलिकॉन चिप पर ट्रांजिस्टरों और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ पूर्ण इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण हैंडहेल्ड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल करता है? तो ये उपकरण है PDA। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम गणना यंत्र है, तो प्रथम गणना यंत्र है अबेकस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था? तो विश्व के सबसे पहले सुपर कंप्यूटर का निर्माण हुआ था 1976 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चार्ल्स बेबेज द्वारा निर्मित एनालिटिकल इंजन किस प्रकार का है? तो ये इंजन है मैकेनिकल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल कंप्यूटर किस श्रेणी के कंप्यूटर में आता है? तो ये आता है माइक्रो श्रेणी के कंप्यूटर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस फ्रांसीसी का क्या नाम था जिसने वस्त्र बनाने वाली मशीन के डिजाइन से पंच कार्ड मशीन बनाई? तो उस फ्रांसीसी वैज्ञानिक का नाम था जोसेफ जेकुआर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटेल द्वारा किस कंप्यूटर पुर्जों का निर्माण किया जाता है? तो इंटेल द्वारा निर्माण किया जाता है माइक्रो प्रोसेसर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनिएक का पूरा नाम है? तो इनिएक का पूरा नाम होता है इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ हो सकता था? तो पहली मैकेनिकल एडिंग मशीन जिसमें जोड़ हो सकता था वो था पास्कलाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वप्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर इनिएक का निर्माण किसने किया था? तो ये किया था वान न्यूमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IBM का पूरा नाम क्या है? तो IBM का पूरा नाम होता है इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो एनालॉग और डिजिटल कंप्यूटर की विशेषताओं के संयुक्त रूप को कहते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है? तो डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ होता है वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? तो उस सूचना को कहते हैं इनपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को कहते हैं? तो किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को कहते हैं क्लॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम क्या था? तो पहले माइक्रो प्रोसेसर का नाम था इंटेल 4004। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU और पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को कहते हैं? तो CPU और पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को कहते हैं बस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह मेमोरी जो सीधा CPU से कम्युनिकेट करती है, तो वह मेमोरी जो सीधा CPU से कम्युनिकेट करती है वो है मेन मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिट्स का समूह जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य करने को कहता है कहलाता है? तो ये कहलाता है इंस्ट्रक्शन कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी प्रोग्राम में सर्वाधिक यूज होने वाले इंस्ट्रक्शन लिए जाते हैं? तो किसी प्रोग्राम में सर्वाधिक यूज होने वाले इंस्ट्रक्शन लिए जाते हैं कैश से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा होता है?
तो इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल होता है फेच साइकिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिस्टम यूनिट के मेन बोर्ड को क्या कहते हैं? तो सिस्टम यूनिट के मेन बोर्ड को कहते हैं मदरबोर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंस्ट्रक्शन का समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है कहलाता है। तो इंस्ट्रक्शन का समूह जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है वो कहलाता है प्रोग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो प्रोसेसर का अन्य नाम क्या है? तो माइक्रो प्रोसेसर का अन्य नाम है चिप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए आवश्यक है। तो डेटा को सूचना में प्रोसेस करने के लिए आवश्यक है सीपीयू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मशीन साइकिल को नियंत्रित करता है। तो मशीन साइकिल को नियंत्रित करता है कंट्रोल यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर में जब डाटा डालते हैं तो वह सबसे पहले किस मेमोरी में जाता है? तो कंप्यूटर में जब हम डाटा डालते हैं तो वह सबसे पहले जाता है रैम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रोम का पूर्ण रूप है। तो रोम का जो पूर्ण रूप होता है वो होता है रीड ओनली मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टैब की का प्रयोग किया जाता है। तो टैब की का प्रयोग किया जाता है पैराग्राफ इंडेंट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेटरी कीबोर्ड में कितने की होती है? तो क्वेटरी कीबोर्ड में जो की संख्या है वो है 104। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टोगल की किसको कहते हैं? तो टोगल की कहते हैं नम लॉक की और कैप्स लॉक की को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अधिकांश प्रोडक्ट्स पर बने प्रिंटेड लाइनों को क्या कहते हैं? तो अधिकांश प्रोडक्ट पर बने प्रिंटेड लाइनों को कहते हैं बार कोड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पीकर को सीपीयू से जोड़ने के लिए किस डिवाइस का प्रयोग करते हैं? तो स्पीकर को सीपीयू से जोड़ने के लिए साउंड कार्ड का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट में आपकी पोजीशन दर्शाने वाले ब्लिंकिंग पॉइंट को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं कर्सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को क्या कहते हैं? तो स्क्रीन पर डिस्प्ले किए गए पिक्सल की संख्या को कहते हैं रिजोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मॉनिटर का रिफ्रेश रेट किस इकाई में मापते हैं? तो किसी मॉनिटर का रिफ्रेश रेट मापते हैं हर्ट्ज में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा प्रिंटर पेज प्रिंटर का एक उदाहरण है? तो ये है लेजर प्रिंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑप्टिकल माउस किसने बनाया था? तो ऑप्टिकल माउस बनाया था माइक्रोसॉफ्ट ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैरेलल पोर्ट अक्सर किसके द्वारा प्रयोग किया जाता है? तो ये किया जाता है प्रिंटर के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक निबल में कितने बिट होते हैं? तो एक निबल में होते हैं 4 बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया कहलाती है। तो डिस्क को ट्रैकों और सेक्टरों में विभाजित करने की प्रक्रिया कहलाती है फॉर्मेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम किस प्रकार की मेमोरी है? तो रैम है वॉलेटाइल मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह तकनीक जो मेन मेमोरी के साइज को बढ़ा देती है, तो ये तकनीक है वर्चुअल स्टोरेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी मेमोरी चिप सर्वाधिक तेज है? तो ये मेमोरी चिप है एस रैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता क्या होती है? तो 3.5 इंच वाली फ्लॉपी डिस्क की क्षमता होती है 1.44 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निर्माण प्रक्रिया में किस मेमोरी चिप का प्रयोग किया जाता है? तो निर्माण प्रक्रिया में रोम का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंडरी स्टोरेज मीडिया से हार्ड डिस्क में सॉफ्टवेयर प्रोग्रामों को कॉपी करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो ये प्रक्रिया कहलाती है इंस्टॉलेशन।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब पीसी किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तब डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से कहाँ स्टोर होता है? तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर होता है रैम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फ्लॉपी डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? तो फ्लॉपी डिस्क मेमोरी है एक्सटर्नल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राइमरी मेमोरी किसका एक हिस्सा है? तो प्राइमरी मेमोरी हिस्सा है सीपीयू का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेन मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड कैसी होती है? तो मेन मेमोरी की तुलना में सेकेंडरी मेमोरी की स्पीड होती है धीमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क में ट्रैक जीरो होता है? तो हार्ड डिस्क में ट्रैक जीरो होता है सबसे भीतरी ट्रैक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रैम का पूरा नाम है? तो रैम का पूरा नाम होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेव करके कंप्यूटर बंद कर देने पर भी आपका डाटा सुरक्षित रहता है? तो ये सुरक्षित रहता है सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी डिवाइस डेटा और प्रोग्राम के बीच का अंतर समझ सकती है? तो ये डिवाइस है माइक्रो प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है? तो सबसे कॉमन प्रकार की स्टोरेज डिवाइस है मैग्नेटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 बिलियन बाइट्स किसके बराबर होते हैं? तो 1 बिलियन बाइट्स होते हैं गीगाबाइट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1 मिलियन बाइट किसके बराबर होते हैं? तो 1 मिलियन बाइट बराबर होते हैं मेगाबाइट के। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीबीडी किसका उदाहरण है? तो डीबीडी उदाहरण है ऑप्टिकल डिस्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है? तो कंप्यूटर डेटा की सबसे छोटी इकाई होती है बिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी? तो माइक्रो कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी चतुर्थ पीढ़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आईबीएम पीसी विकसित हुआ था? तो आईबीएम पीसी विकसित हुआ था सन 1981 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था? तो सबसे पहला माइक्रो कंप्यूटर था अल्टेयर 8800। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल के एक कॉलम को कहते हैं? तो टेबल के एक कॉलम को कहते हैं एट्रीब्यूट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डाटा को कहाँ स्टोर किया जाता है? तो डाटा को स्टोर किया जाता है डाटाबेस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओएस का शाब्दिक अर्थ है? तो ओएस का शाब्दिक अर्थ है ऑफिस ऑटोमेशन सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है? तो कंप्यूटर को इंटरनेट से जोड़ता है मॉडम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्राफिक्स वाले आउटपुट को कागज़ पर उतारने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो ग्राफिक्स वाले आउटपुट को कागज़ पर उतारने के लिए प्रयोग किया जाता है प्लॉटर का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशेष प्रकार के संगीत उपकरणों को साउंड कार्डों से कौन सा पोर्ट जोड़ता है? तो ये पोर्ट है मिडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाई स्पीड मेमोरी को क्या कहते हैं? तो हाई स्पीड मेमोरी को कहते हैं कैश मेमोरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है? तो कट कॉपी और पेस्ट करने के लिए एडिट मेन्यू सिलेक्ट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो सॉफ्टवेयर कोड में त्रुटियां ढूंढने की प्रक्रिया को कहते हैं डीबगिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यमान डॉक्यूमेंट में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो विद्यमान डॉक्यूमेंट में परिवर्तन कहलाता है एडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सभी डिलीटेड फाइलें कहाँ जाती हैं? तो सभी डिलीटेड फाइलें जाती हैं रिसाइकल बिन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का प्रयोग किया जाता है? तो ये सॉफ्टवेयर है वर्ड प्रोसेसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना क्या कहलाता है? तो पहले से ऑन कंप्यूटर को रीस्टार्ट करना कहलाता है वार्म बूटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर को क्या कहते हैं? तो कंप्यूटर प्रोग्राम में एरर को कहते हैं बग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
ENIAC कब निर्मित हुआ था? तो ENIAC निर्मित हुआ था 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कितने बिट मिलकर एक बाइट बनता है? तो 8 बिट मिलकर एक बाइट बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा कहाँ स्टोर किया जाता है? तो किसी एप्लीकेशन से कॉपी किया गया डाटा स्टोर किया जाता है क्लिपबोर्ड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CTRL, शिफ्ट और एल्ट कीज़ को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं मॉडिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मेमोरी डिवाइस में कौन सा सर्किट इस्तेमाल किया जाता है? तो किसी मेमोरी डिवाइस में जो सर्किट इस्तेमाल किया जाता है वो है फ्लिप फ्लॉप। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए क्या इस्तेमाल करता है? तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए इस्तेमाल करता है प्रिंट हैड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CPU का क्या कार्य है? तो CPU का कार्य होता है प्रोसेसिंग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, OSI मॉडल में कितनी लेयर होती है? तो OSI मॉडल में लेयर होती है 7। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइपरलिंक को शॉर्टकट से इंसर्ट करने के लिए कौन सी की का प्रयोग करते हैं? तो हाइपरलिंक को शॉर्टकट से इंसर्ट करने के लिए जो की इस्तेमाल की जाती है वो है CTRL+K। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क की क्षमता मापी जाती है? तो हार्ड डिस्क की क्षमता मापी जाती है गीगाबाइट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस व्यू में आप किसी प्रेजेंटेशन की स्लाइडों को क्रम में लगा सकते हैं? तो ये व्यू है स्लाइड सॉर्टर व्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को कहा जाता है? तो डाटा को लॉजिकल सीक्वेंस में अरेंज करने को कहा जाता है सॉर्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्कशीट पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइनें होती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? तो उन्हें कहा जाता है ग्रिड लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर का मुख्य भाग है? तो कंप्यूटर का मुख्य भाग है सिस्टम यूनिट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे पहला मिनी कंप्यूटर कौन था? तो सबसे पहला मिनी कंप्यूटर था PDP-8। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैराग्राफ को सेंटर में करने के लिए किस शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं? तो पैराग्राफ को सेंटर में करने के लिए CTRL+E शॉर्टकट की का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिल गेट्स ने कौन सी किताब लिखी है? तो बिल गेट्स ने द रोड अहेड किताब लिखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टास्क बार कहाँ स्थित होता है? तो टास्क बार बार स्थित होता है स्क्रीन के तल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विंडो में कितने स्क्रॉल बार हो सकते हैं? तो किसी विंडो में स्क्रॉल बार हो सकते हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को कहा जाता है? तो प्रिंटर और मॉनिटर जैसे पेरिफेरल उपकरणों को कहा जाता है हार्डवेयर। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि इस तरह के वीडियोज़ मैं बनाता रहता हूँ। और वीडियो देखने के लिए थैंक यू, बाय।